एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में जो हमारा टॉपिक है सर्विस इन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। अब देखिए सर्विस इन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग क्या होती है, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास। एंड्रॉयड सर्विस इज ए कंपोनेंट, क्या है, कंपोनेंट है दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बैकग्राउंड, यानी ऐसे ऑपरेशन जैसे हम लोग देखा होगा कि कभी अपन मल्टीपल मल्टी सिस्टम पे काम करते हैं तो बैकग्राउंड में हमारे गाने बजते रहते हैं, अपन काम करते रहते हैं, तो जो ऑपरेशंस हैं उनको बैकग्राउंड में परफॉर्म करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, सर्विस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सर्विस, सच एज प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, हैंडल नेटवर्क ट्रांजेक्शन, नेटवर्क ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, इंटरेक्टिंग कंटेंट प्रोवाइडर, इनक्वायर डज नॉट हैज एनी यूआई इंटरफेस, इसका कोई इंटरफेस नहीं होता है। द सर्विस रन बैकग्राउंड आइडेंटिफाई इवन एप्लीकेशन डिस्ट्रॉयड, जैसे ही एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होती है। मोर एवर सर्विस कैन बी बाउंडेड द कंपोनेंट परफॉर्म इंटरेक्टिवली इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कैसे करते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारे पास करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एंड्रॉयड सर्विस, एंड्रॉयड सर्विस की जो लाइफ साइकिल्स है वो टू फॉर्म्स इन सर्विसेज, सर्विसेज के कितने फॉर्म होते हैं, टू फॉर्म्स होते हैं। द लाइफ साइकिल्स ऑफ सर्विस कैन बी इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, स्टार्टेड और बाउंड। स्टार्टेड सर्विस, ए स्टार्टेड सर्विस क्या होते समझते हैं, स्टार्टेड सर्विस, अ सर्विस इज स्टार्टेड व्हेन कंपोनेंट्स लाइक एक्टिविटी, सर्विस कैसे स्टार्ट होती है, एक एक्टिविटी कंपोनेंट्स है, कॉल्स स्टार्ट सर्विस, कौन से मेथड से कॉल करते हैं, स्टार्ट मेथड से इसको कॉल करते हैं। नाउ इट रन इन द बैकग्राउंड आइडेंटिफाइंग द स्टॉप, स्टॉप सर्विस करने के लिए क्या, इट इज स्टॉप टू स्टॉप सर्विस मेथड, देन स्टॉप इटसेल्फ कॉल स्टॉप सेल्फ, क्लियर। तो ये हमारे स्टॉप सर्विसेज के लिए होते हैं, स्टार्ट सर्विसेज के लिए स्टार्ट सर्विसेज और स्टॉप सर्विसेज स्टॉप सेल्फ। अब बाउंडेड सर्विसेज क्या होती है, ए सर्विस बाउंडेड बाय अनदर कंपोनेंट्स, अनदर कंपोनेंट्स के साथ बाइंड सर्विस मेथड कैन क्लाइंट अनबाइंड सर्विस बाय कॉलिंग अनबाइंड सर्विसेज, द कैन नॉट स्टॉप अंटिल द क्लाइंट अनबाइंड्स, ये आपकी स्टॉप नहीं होती है, क्लियर। इस तरीके से स्टार्ट सर्विसेज ऑन क्रिएट कमांड, सर्विस रनिंग डिस्ट्रॉय सर्विस डाउन, फिर कॉल क्या है हमारा, ये किसके लिए, अनबाउंडेड सर्विस के लिए, बाउंडेड सर्विस के लिए क्या होगा हमारे पास, कॉल सर्विस, बाइंडेड सर्विसेज, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, क्लाइंट ऑन बाउंड सर्विसेज, अनबाउंड, डिस्ट्रॉय और सर्विस, क्लियर। अब देखिए इसका एक मेथड हम आपको प्रोग्राम बना के बताते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपको दिखने लगे, यहाँ पे हम थ्री बटन्स लेते हैं, कितनी बटन्स ली हमने यहाँ पे, थ्री, एक हमने ली स्टार्ट बटन, एक ली स्टॉप बटन और एक ली नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज यानी नेक्स्ट एक्टिविटी, क्या लिए, नेक्स्ट एक्टिविटी। तो देखिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमने तीनों बटन्स ली, बटन वन, बटन का नाम दिया हमने स्टार्ट, बटन का नाम क्या दिया, स्टार्ट, रैप कंटेंट विड्थ हाइट डाउन रैप कंटेंट, अलाइनमेंट पैरेंट टॉप, सेंटर हॉरिजॉन्टल टू, मार्जिन कितना दिया 74 डीपी, इसका टेक्स्ट क्या दे दिया हमने, स्टार्ट सर्विस। इसी तरह हमने दूसरी बटन बनाई स्टॉप बटन, रैप कंटेंट सेंटर हॉरिजॉन्टल टू, सेंटर वर्टिकल इक्वल टू टू, और इसका नाम क्या दे दिया हमने, स्टॉप सर्विस। नेक्स्ट हमने इसी तरह लिया आईडी बटन नेक्स्ट, ठीक है, रैप कंटेंट टू हॉरिजॉन्टल और पैरेंट, मार्जिन कितना दिया और सिक्स नेक्स्ट पेज, और जो लेआउट यूज़ किया वो कौन सा लेआउट किया हमने, रिलेटिव लेआउट यूज़ किया हुआ, कौन सा लेआउट यूज़ किया हमने, रिलेटिव लेआउट हमने यहाँ से इसको यूज़ किया हुआ। अब यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ पर रिसोर्स के अंदर, इस फोल्डर का नाम आपको देना है, यहाँ से लेना रिसोर्स डायरेक्टरी, इसका नाम देना रा, क्या नाम देना, रॉ फोल्डर बनाएंगे, इसके अंदर आपको कोई भी एक MP3 सॉन्ग पेस्ट कर लेना है, जैसे आपको कहीं पे भी पढ़ा हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कंप्यूटर पे पढ़ा है, हम यहाँ पे गए, इसके बाद हमने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फोल्डर, यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग ले सकते हैं, जो भी आपको म्यूजिक चाहिए अपने हिसाब से, MP3 सॉन्ग को सेट कर सकते हैं और यहाँ आप जाके इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं, तो पहला काम। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी लेनी है, दूसरी एक्टिविटी,
ठीक, उस एक्टिविटीज़ पे लाने के लिए आप क्या कर देंगे, लेआउट पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद एक्टिविटी, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप कौन सी एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ पे इस एक्टिविटी का नाम हम दे देंगे मैन नेक्स्ट एक्टिविटी, क्या नाम देगा, फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा एक पेज बन गया। दूसरा हमारे पास बन गया एक पेज डिज़ाइन, इसका भी दिखा देते हैं। इसमें सिर्फ हमने व्यू रखा और लिखा है नेक्स्ट पेज, ठीक है। इस पेज में हमने देखे क्या लिया हुआ है, वही लेआउट, और यहाँ पे लिया हुआ टेक्स्ट, और इसका टेक्स्ट दे दिया नेक्स्ट पेज। चाहे तो अपन नेक्स्ट पेज यहाँ दे सकते हैं सदगुरु, या हमने दे दिया कॉलेज, क्या दे दिया कॉलेज, जो भी आप यहाँ पे देना चाहें। तो ये हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू रखा और यहाँ पे इसको दे दिया, क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद एक स्टेप हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे जावा के अंदर हमें एक फाइल ऐड करानी पड़ेगी। राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास फाइल, जो भी आप नाम देंगे यहाँ पर, नाम देने के बाद अपनी क्लास फाइल का नाम। तो हमने यहाँ पे क्लास फाइल का नाम दे दिया माई सर्विस डॉट जावा। तो अब यहाँ पे माई सर्विस डॉट जावा के अंदर पहले इसको समझते हैं अपन। माई सर्विस जावा क्लास एक्सटेंड किससे हमने किया, सर्विस, सर्विस से जैसे ही मेथड एंड करोगे तो आपके पास ये मेथड दो इम्प्लीमेंट होके आ जाएंगे। उसके बाद मीडिया प्लेयर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मीडिया प्लेयर, आई बाइंड ऑन बाइंड इंडेंट, ये ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, ये इस क्लास का मेथड है। उसके बाद एक मेथड आपके पास आएगा ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट के अंदर आपने किया टोस्ट मेक दिस, आपने मैसेज क्या दे दिया क्रिएट सर्विस। उसके बाद मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट दिस रॉ डॉट सन, यानी आपने जो यहाँ से एक्सेस किया वो आपने यहाँ को असाइन कर दिया। माई मीडिया प्लेयर डॉट सेट लूपिंग फॉल्स, लूपिंग को आपने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे एक मेथड आएगा ऑन स्टार्ट मेथड, ठीक, ऑटोमेटिक ऑन स्टार्ट में आपने क्या किया, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस सर्विस स्टार्टेड, और यहाँ पे आपने मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय पे आपने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया। ये आपने किस में किया, जो आपने यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड जावा फाइल को ऐड कराया, क्लियर। उसके बाद अब अपन आते हैं मैन डॉट जावा एक्टिविटी, किस पे आते हैं, मैन डॉट जावा एक्टिविटी। तो अपन ने मैन डॉट जावा एक्टिविटी में तीन बटन्स लिए हुई हैं, बटन स्टार्ट, बटन स्टॉप, बटन नेक्स्ट, तीन बटन्स लिए हैं। तीनों बटन्स को हमने, और इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इम्प्लीमेंट व्यू ऑन क्लिक लिसनर। जब व्यू ऑन क्लिक लिसनर करते हैं तो इसका मतलब हम एक ही बटन पे काम करेंगे, किस पे करेंगे, एक ही बटन के साथ, एक ही बटन से सारे इवेंट को एक्सेस करेंगे, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया बटन डॉट स्टार्ट ऑन क्लिक लिसनर दिस, बटन स्टॉप सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस, बटन नेक्स्ट डॉट सेट। अब यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑन क्रिएट व्यू आ जाएगा। इसका व्यू डॉट एस आर सी इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने यहाँ पे देखा कि किस यूज़र किस पे क्लिक करता है, तो हमने यहाँ दिया स्विच एस आर सी डॉट गेट आई डी आर डॉट आई डी, अगर स्टार्ट बटन मिलता है तो मैसेज हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेंट डॉट पैकेज माई सर्विस डॉट क्लास, कौन सी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, माई सर्विस डॉट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली क्लास एक्टिव हो जाएगी। तो इस क्लास के अंदर देखो हमने मीडिया प्लेयर दिया, यानी गाना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया हुआ है, माई डॉट स्टॉप, तो माई क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पर भी हमने क्या किया, स्टॉप वाले मेथड को, डिस्ट्रॉय वाला मेथड हमारा कॉल हो जाएगा, यानी मीडिया प्लेयर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद बटन नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमने क्या दे दिया, इंडेंट, इंडेंट लगाते हैं, आपको मालूम जब एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करते हैं तो इंडेंट हम आपको पहले ही बता चुके, तो यहाँ क्या यूज़ करते हैं, इंडेंट। तो हमने यहाँ यूज़ किया इंडेंट इक्वल टू न्यू दिस एक्टिविटी डॉट नेक्स्ट क्लास स्टार्ट एक्टिविटी डॉट इंडेंट ब्रेक, अब ये इसके अंदर हमने पास कर दिया, क्लियर। तो अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये आपको काम कर लेना इस पर, क्लियर। उसके बाद अब आप अपने उस पर आएंगे, किस पे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल पे, किस पे, एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल पे। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ आपको मिलेगी, इस एक्टिविटीज़ के नीचे आपको लिखना पड़ेगा एक्टिविटीज़ नेम डॉट एक्टिविटी नेक्स्ट क्लॉक, सर्विस आपने क्या रखी है, एंड्रॉयड माई डॉट माई सर्विस, यानी इस जावा फाइल का नाम, इनेबल इक्वल टू आपने क्या कर दिया, ट्रू। अब आप देखिए इस एप्लीकेशन को आप रन कराएंगे तो इस टाइप से आपके यहाँ पे एप्लीकेशन रन होगी।
स्टार्ट, ये देखिए मैसेज आ गया। ठीक, स्टॉप आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पे ये नहीं देंगे, इनको हम कट कर लेते हैं, इसको कट कर लिया, अगर हमने इन दोनों को कट कर लिया, क्योंकि जो भी हम सेटिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, एंड्रॉयड सर्विसेज से रिलेटेड। एंड अब यहाँ पे देखिए, इसको रन कराएंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारी सर्विस काम नहीं करेंगे। ये देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, स्टॉप करना सर। ये सारा प्रोग्राम सभी को बनाना है, ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सभी को प्रोग्राम बनाना है, स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेशन नहीं बना रहे आप लोग, नहीं काम कर रहा ना, कुछ सर्विस नहीं काम कर रहा, सिर्फ नेस्ट वाली काम। तो हमें जो भी सेटिंग करनी पड़ेगी वो कहाँ करनी पड़ेगी, एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट फॉर्म। अब इसको आप रन करा दें तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाए। ये देख चल रहा, थोड़ा टाइम ले रहा है आपका, सॉरी, यहां से हमने इसको बंद कर दिया। लॉन्चिंग एक्टिविटी फेल, दोबारा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये भी तरीका, कुछ लोग बंद कर देते हैं, वो कहते हैं सर हमारी एक्टिविटी फेल हो गई। तो कभी भी आपको जो ग्रिडल्स है या जेनी मोशन है, इसको आपको क्लोज नहीं करना। अब ये देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक, तो कब सर्विस काम करने लगती ना, है ना, स्टॉप स्टॉप बैकग्राउंड स्टार्ट नेक्स्ट पेज, जैसे चाहे वैसे सर्विस आप यहाँ से बना सकते। क्लियर। कुछ स्टूडेंट सर पूछते हैं कि हमारे जो ओल्ड प्रोग्राम है वो नहीं चल रहा है, उनको भी बता देता हूँ। देखिए, इसको जब आप क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद जब आप यहाँ से ओपन करेंगे, ये क्रिएट के लिए हो गया, ठीक है, न्यू ये तो छोड़ो, ओपन प्रोजेक्ट, जब आप किसी प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए, जैसे हमने वाले फॉर एग्जांपल, ये जैसे हमने पास डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, जैसे हमने ये बनाया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को देखिए, अगर हम इसको कंपाइल, पुराना प्रोग्राम है, अगर इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे तो इस प्रोग्राम में हमारे पास देखिए क्या, पहले ग्रिडल अपडेट होगी, ग्रिडल अपडेट होगी, इंडेक्स अपडेट होगी, तब ये जाके प्रोग्राम हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को देखिए, ग्रिडल अपडेट चढ़ से थोड़ा रोक देते हैं, फिर ग्रिडल अपडेट होने के बाद इस प्रोग्राम को आपको हम बताते हैं। ये देखिए, हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर बना के और दिखाते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट किया, पास कर दें,
पास करने के बाद ये हमारे किस एक्टिविटी पे आना चाहिए, सेकंड एक्टिविटी हमारे पास यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। तो सेकंड एक्टिविटी पर हमने क्या लिया, एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ, और जो भी मैसेज हम पास करेंगे वो किस में करेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी में पास करेंगे। किस में करेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या, एक एडिट टेक्स्ट लिया हुआ, एक पास एक्टिविटी लिया हुआ। और जब सेकंड एक्टिविटी में इनपुट कराते तो हमने आपको हमेशा बताया लेआउट पर क्लिक करेंगे नाइट, और यहाँ पे जाके एक्टिविटी फ्रेगमेंटेशन फोल्डर जो भी कुछ चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से क्या ले लिया, ये देखिए सारे फोल्डर्स यहाँ से ऐड करा लिए, क्लियर। उसके बाद आप कोड पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, कोड पे। तो हमने यहाँ पे एडिट बटन, एंटर द मैसेज और पास। अब इस पास बटन पे हमने जावा डॉट उस पर गए, तो यहाँ पे आपको देखिए काम कैसे करना है। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट ले लेना, पास बटन का ले लेना, ठीक है। उसके बाद दोनों को आप यहाँ इनिशलाइज करेंगे, एडिट टेक्स्ट बॉक्स, फाइंड वाई आई डी आर डॉट टेक्स्ट बॉक्स पास। अब यहाँ पास बटन का क्लिक ईवर्ड लेंगे, पास डॉट एस टी आर डॉट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। जब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को ओपन कराते तो हमेशा हमने आपको बताया किसका यूज़ करते हैं, इंडेंट का यूज़ करते हैं। ये प्रोग्राम पिछले साल पूछा गया था एग्जाम में, इंडेंट इक्वल टू इंडेंट न्यू इंडेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यानी इस एप्लीकेशन कौन सी एक्टिविटी ओपन करना है, आपको मालूम हमेशा क्लास फाइल रन होती है, तो एक्टिविटी सेकेंड डॉट क्लास। उसके बाद इनपुट मैसेज किया जाए मैसेज, और जो आप यहां से इस एस टी आर टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज पास करेंगे वो मैसेज हमारा कहां चला जाएगा, दूसरी बारी एक्टिविटी में जाएगा। मैसेज यहां बनाया हुआ और यहां पर हमने कर दी स्टार्ट एक्टिविटी, पर उस फॉर्म के लोड इवेंट, सेकंड के लोड इवेंट पे हमें इसे एक्टिव कराना, गेट कराना। तो हम यहाँ पर कहाँ जाएँगे, गेट टेक्स्ट, याद टेक्स्ट लिया है, फाइंड वाई आई डी डॉट आर डी डॉट टेक्स्ट। फिर हमने यहाँ पर क्या, इंडेंट, इंडेंट डॉट गेट इंडेंट एस टी आर डॉट इंडेंट डॉट कैट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमने देखो वहाँ पे किस नाम से मैसेज वेरिएबल बनाया हुआ, मैसेज वेरिएबल बनाया हुआ, टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट स्टार्ट। अब जैसे ही हम इसको पहले वाले को रन करेंगे, कोई मैसेज डालेंगे, तो दूसरी वाली एक्टिविटी में ऑटोमेटिक हमारा मैसेज पहुँच जाएगा। देखिए हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं बार बार बोला हूँ एंड्रॉयड थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है। जैसे हमने यहाँ पे डाला मुस्लिम अवस्थी, पास देखिए सेकंड एक्टिविटी में मैसेज पास। तो इस टाइप से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाके काम करते हैं, क्लियर। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रोग्राम भी आपको करने। तो उम्मीद करते हैं ये सारा काम आप लोग कर लेंगे। किसी स्टूडेंट को पुरानी अगर एक्टिविटी ओपन करनी है तो जब हम नेट से अपडेट करेंगे तो पुरानी ग्रेडल जो है वो अपडेट होगी और थोड़ा सा समय लगेगा, तब जाके आप यहाँ से एक्टिविटी को ओपन कर पाएंगे। कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, पुराना प्रोग्राम चला सकते हैं, ठीक है। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लासेस में जो टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इन सबको आप लोग कर लीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट प्रोग्राम नहीं करके भेज रहे हैं और जो कुछ भेज रहे हैं अच्छी बात है, और करिएगा। जितना आप करेंगे प्रैक्टिस उतना आपको एंड्रॉयड प्रोग्राम ही आएगी, ठीक है। आप लोग करते रहिए।